सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। तो लोकी का लास्ट एपिसोड, या फिर मुझे कहना चाहिए कि लोकी के सीजन 1 का लास्ट एपिसोड आ चुका है, जो कि काफी ज्यादा माइंड ब्लोइंग तो था ही, और साथ ही साथ इस एपिसोड में काफी सारी चीजों को रिवील भी किया गया। और अगर अभी तक आपने एपिसोड 6 नहीं देखा है तो पहले एपिसोड को देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए स्पॉयलर्स हो सकते हैं। तो एपिसोड 6 में हमें बताया गया कि ही हू रिमेन्स ने ही टीवीए को क्रिएट किया है, और ही हू रिमेन्स और कोई नहीं बल्कि मार्वल के काफी बड़े विलन कैंग द कॉन्करर का ही एक वेरिएंट है। हमने ये भी देखा कि मार्वल का मल्टीवर्स अब फ्री हो चुका है, पर साथ ही काफी सारी चीजों को इनकम्प्लीट भी छोड़ा गया, जैसे कि लोकी के साथ आगे क्या होगा, सिल्वी के साथ क्या हुआ है, टाइमकीपर्स की जगह पे कैंग द कॉन्करर का स्टैच्यू क्यों है, और सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि मोबियस को लोकी के बारे में कुछ भी याद क्यों नहीं। और हाँ, जैसा कि एपिसोड में एंड में दिखाया गया, इस पेपर से कंफर्म होता है कि इसका सीजन 2 भी आने वाला है, और इसके न्यूज तो काफी पहले से आ रहे थे, तो इन सारी चीजों को वहां पे शायद कंटिन्यू किया जाए। पर आज हम अपने हिसाब से इसके एंडिंग को एक्सप्लेन करेंगे और इन सारी चीजों को डिकोड करेंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कैंग द कॉन्करर ही हू रिमेन्स कैसे बना। तो उसने 31st सेंचुरी में सबसे पहले मल्टीवर्स के बारे में डिस्कवरी की, और जैसे कि हर एक यूनिवर्स के लोकी ऑलमोस्ट सेम होते हैं, तो उसके अलग अलग वेरिएंट्स ने भी मल्टीवर्स के नॉलेज के बारे में डिस्कवर किया। वो लोग आपस में मिले, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजीज को शेयर किया और उसे काफी ज्यादा डेवलप किया, और फ्यूचर में इसी टेक्नोलॉजी का यूज टाइम वेरिएंट्स अथॉरिटी करने वाली थी। पर जैसे कि लोकी के सारे वेरिएंट्स भी एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होते, ठीक इसी तरह कैंग के सारे वर्जन्स भी सिमिलर नहीं थे, और उनमें से कुछ ने मल्टीवर्स पे कब्जा करने की कोशिश की, बाकी के यूनिवर्सेस को मिटाने की कोशिश की, और इसी के चक्कर में उन लोगों के बीच में एक मल्टीवर्सल वॉर शुरू हुआ। पर इस वॉर के दौरान एक कैंग ने एलियाथ को ढूंढ लिया और उसकी हेल्प से बाकी के सारे यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय किया, और वो फिर अकेला बचा हुआ कैंग था, और इसीलिए वो बना ही हू रिमेन्स। पर वो कैंग एविल नहीं था, तो मल्टीवर्स में राज करने की जगह उसने ये सोचा कि वो बाकी के सारे टाइमलाइन को क्रिएट होने से रोकेगा, ताकि कोई और टाइमलाइन का कैंग वापस से मल्टीवर्स को रूल करने की कोशिश ना करे। तो इसीलिए उसने टीवीए की हेल्प से सिर्फ एक ही टाइमलाइन को बचाए रखा, जो कि थी सेक्रेट टाइमलाइन, और वो वही टाइमलाइन थी जहां से वो खुद आया था, यानी कि मार्वल का मेन यूनिवर्स। पर अब जबकि सेल्वी ने ही हू रिमेन्स को मार दिया है, यानी कि उस कैंग को जो कि मार्वल के मेन यूनिवर्स को बिलोंग करता था, उस यूनिवर्स को जहाँ पे मार्वल की अब तक की सारी मूवीज टेक प्लेस करती है, तो अब वापस से मल्टीवर्सल वॉर होगा, और इस बार जो कैंग जीतेगा वो ही हू रिमेन्स ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है, वो उससे भी एविल हो सकता है, और शायद इस बार वो बाकी के मल्टीवर्स को भी जीतने की यानी कि कॉन्कर करने की कोशिश करेगा, यानी कि वो होगा रियल कैंग द कॉन्करर, और वो मार्वल के मेन यूनिवर्स का भी नहीं होगा, तो वो उसे भी जीतने की या फिर ब्रून करने की कोशिश करेगा, और तभी वो बाकी के सुपर हीरोज के लिए भी खतरा बनेगा। तो चलिए अब बात करते हैं सेल्वी के बारे में। और यहाँ पे सेल्वी और ही हू रिमेन्स दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही है, जहाँ पे ही हू रिमेन्स ये सोचता है कि अगर किसी चीज के खराब होने के चांसेस है, उससे बेटर है कि उस चीज को होने ही ना दिया जाए। पर इसकी वजह से यहाँ पे सेल्वी और उसके जैसे और कहीं वेरिएंट्स जो कि बाकी के मल्टीवर्स में रहते थे, उन्हें मार देना भी सही नहीं होगा। और इसी सोच के साथ सेल्वी ने ही हू रिमेन्स का मर्डर कर दिया। पर अब मल्टीवर्सल वॉर को जीत के जो कैंग यहाँ पे आएगा, वो सेल्वी और बाकी के मल्टीवर्स के लिए इससे भी बड़ा खतरा होगा। और इसी के एक साइन ये है कि जब लोकी वापस से टीवीए में जाता है, तब वहाँ पे टाइम कीपर्स की जगह कैंग का स्टैच्यू होता है, तो शायद कैंग ने जीरो के उस पार पहुंच के सेल्वी को हटा के अपनी जगह ले भी ली होगी, और इसीलिए टीवीए को भी उसी ने फॉर्म किया, सारी हिस्ट्री भी चेंज हो गई, और यहाँ पे कैंग द कॉन्करर का स्टैच्यू है, यानी कि वो टीवीए को एकदम ओपनली ऑपरेट कर रहा है। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि लोकी को तो टीवीए पहुंचने में बहुत ही थोड़ा सा टाइम लगा, उतने से टाइम में नया कैंग इन सारी चीजों को चेंज कैसे कर सकता है, तो मैं आपको याद दिला दूं कि जीरो के उस पार टाइम का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, यानी कि जब नया कैंग वहां पे पहुंचेगा और सारी चीजों को वापस से रीसेट करेगा, तो उसका इफेक्ट पूरी हिस्ट्री पे पड़ेगा, यानी कि नए टीवीए को भी कैंग ने ही फॉर्म किया है,
और वो बिना किसी टाइम कीपर्स की हेल्प से उसे डायरेक्टली ऑपरेट कर रहा है यार। इसीलिए वहाँ पे टाइम कीपर्स की जगह उसी का स्टेच्यू है और यहाँ पे सारे इवेंट्स भी अलग तरीके से हुई है, तो मॉबियस को भी लोकी के बारे में कुछ भी याद नहीं। वैसे जब तक लोकी का लास्ट एपिसोड नहीं आया था तब तक इस चीज़ को लेके मैं काफ़ी ज़्यादा कंसर्न था कि लोकी के 5-5 एपिसोड के इतने ज़बरदस्त बिल्डअप को मार्वल लास्ट के एक ही एपिसोड में कंक्लूड कैसे करेगा। पर अब जबकि लोकी का सेकंड सीजन आ रहा है तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा कि मॉर्बियस जो कि सब कुछ भूल चुका है उसे लोकी कन्विंस कैसे करता है। जो भी हो मज़ा तो काफ़ी आने वाला है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस, और अगर इस वीडियो ने आपको एंडिंग को समझने में हेल्प की हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर यहाँ पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।